أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ CS403 ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی جو ہماری اسائنمنٹ نمبر 1 آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو آئیے ہم اپنی اسائنمنٹ دیکھتے ہیں دوستو اس میں ہمیں ایک کیس دیا گیا کیس کیا ہے جی دی ایکس وائی وی کمپنی ایمز ٹو ڈیولپ ا پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر وچ انیبل اٹ یوزر ٹو مینیج اینڈ ٹریک پروجیکٹ ڈیڈ لائن شیڈیول اینڈ ادر ورک فلو پروسیس اٹ الاؤ یوزر ٹو کولیبوریٹ ود ون اینڈ ادر دا سافٹ ویئر وڈ بی اویلیبل ان ملٹیپل لینگویجز انگلش فرینچ اسپینش جرمن Italian, Japanese and Russian. The primary goal of the software is to help to streamline the workflow and the flow of companies to focus on core tasks. The manager of the system can create tasks along with discussion thread and assign to specific user. User can post message and record task program through discussion thread. Manager can also able to edit task and set deadlines. A complete progress can be viewed for the specific task. You are required to perform following tasks according to the above scenario. First kya hai ji, draw the context level diagram. Or second hai ji, identify entities, their attribute relationship among the entities in the above scenario and draw ERD entity relationship diagram for it. हमने दो काम करने हैं जी, एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी है और दूसरा जो है वो हमने ERD डायग्राम बनानी है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि जी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम हमारी कैसे बनेगी। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों हमने ये पहले एक प्रोजेक्ट ले लिया जी, हमारे सामने ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। इसके बाद हमने एंटिटीज लेनी है, इसमें एक एंटिटी हमारे पास एडमिन की आ गई, दूसरी एंटिटी जो है वो मैनेजर की आ गई, तीसरी एंटिटी हमारे पास यूजर की आ गई। अब एडमिन प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर सकता है, वो लॉगिन कर सकता है जी, लॉगिन करने के बाद ऐड यूजर कर सकता है, मतलब मैनेजर को ऐड कर सकता है, ये किसी और यूजर को ऐड कर सकता है, फिर उनको व्यू कर सकता है यूजर्स को, फिर अपडेट कर सकता है यूजर्स को, और फिर लास्ट में लॉग आउट कर सकता है सिस्टम से। अब मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर लॉगिन कर सकता है जी, ये किसी टास्क को ऐड कर सकता है, फिर किसी टास्क को अपडेट कर सकता है, फिर किसी टास्क को असाइन कर सकता है यूजर को, और फिर सेट डेडलाइन जो उसकी डेडलाइन है वो सेट कर सकता है, और फिर वो भी सिस्टम से लॉग आउट कर जाए। अब यूजर क्या कर सकता है जी, यूजर व्यू टास्क, जो उसको टास्क असाइन किया गया वो उनको देख सकता है, परफॉर्म टास्क, फिर वो उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है, और उसके बाद सेंड अलर्ट, और वो सेंड अलर्ट कर सकता है तो मैनेजर को अबाउट द टास्क कम्प्लीशन के वो टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। ये था दोस्तों हमारा कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। अब देखते हैं हम ERD डायग्राम कैसे बनेगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनेगा। ERD डायग्राम बनाने के लिए भी हम सबसे पहले एंटिटीज को देखेंगे, एक इसमें हमारे पास एडमिन है, दूसरा हमारे पास यूजर है, फिर मैनेजर है, और तीसरा हमारे पास, चौथा जो है वो हमारे पास टास्क है। अब एडमिन का क्या है जी, एडमिन के हमने एट्रीब्यूट लिखने हैं, एडमिन के एट्रीब्यूट, एडमिन का कोई ना कोई आईडी होगा, उसका नेम होगा, उसका पासवर्ड होगा, और फिर उसका ईमेल एड्रेस होगा। अब हम इसी तरह यूजर के देखते हैं, यूजर में देखें यूजर का आईडी होगा, यूजर का नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, यूजर का कोई ना कोई पासवर्ड होगा, और यूजर का ईमेल एड्रेस होगा। ये हमारे पास दो एंटिटीज बन गई। अब इन दो एंटिटीज का हमने आपस में रिलेशनशिप भी देखना है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप देखें, यहाँ पे इफ ए का रिलेशनशिप है, इफ ए का मतलब एक यूजर जो है वो एक एडमिन हो सकता है, और इसके अंदर वन टू वन का रिलेशनशिप है, मतलब एक यूजर जो है वो एक ही एडमिन हो सकता है, बहुत सारे यूजर जो है वो बहुत सारे एडमिन नहीं हो सकते। और तीसरा जो है इसके अंदर एडमिन जो है वो मैनेज कर रहा है यूजर्स को, तो मैंने यहाँ पे ये एक लाइन लगा के इसको मैनेज से भी शो कर दी है। अब हम देखेंगे कि मैनेजर क्या है, मैनेजर के जो एट्रीब्यूट हैं वो उसका आईडी हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका पासवर्ड हो सकता है, और उसका ईमेल हो सकता है। अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है,
इन दोनों के दरमियान भी इस ए का रिलेशनशिप है कि एक मैनेजर जो है वो एक एडमिन हो सकता है, और इनके दरमियान भी वन टू वन का रिलेशनशिप है कि एक मैनेजर जो है वो एक ही एडमिन हो सकता है, बहुत सारे मैनेजर एडमिन नहीं हो सकते। और आगे हमारे पास टास्क आ गए जी। टास्क का देखें, टास्क आईडी है, टास्क नेम है कि कौन सा टास्क है, टास्क नंबर, ये टास्क आईडी, और फिर वो टास्क की स्पेसिफिकेशन, वो सारी नेम वगैरह आ जाएगा। अब इसका मैनेजर के साथ और यूजर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो अपने देखना। मैनेजर के साथ जो है इसका ऐड का रिलेशनशिप है कि मैनेजर जो है वो बहुत सारे टास्क ऐड कर सकता है। यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन जाएगा कि बहुत सारे मैनेजर जो है वो बहुत सारे टास्क ऐड कर सकते हैं, या कोई भी मैनेजर जो है वो कोई भी टास्क ऐड नहीं करेगा। ये यहाँ पे इनका रिलेशनशिप आ गया। अब इसका यूजर के साथ क्या रिलेशनशिप है, यूजर के साथ जो है वो असाइन का रिलेशनशिप, कि यूजर को टास्क असाइन किए जाते हैं, उसको दिए जाते हैं। इनमें भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूजर को बहुत सारे टास्क दिए जा सकते हैं, या किसी भी यूजर को कोई भी टास्क नहीं दिया जा सकता। दोस्तों ये थी हमारी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दोस्तों मोफिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com देखते रहिए, और चैनल YouTube.com/VSSS देखते रहिए, और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।